हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आइए कुछ हम बेहतर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन लॉग ऑफ लॉग बेस साइन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 23 माइनस 3 अपॉन लॉग बेस 2 पे साइन एक्स। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सिंपली लिख लेते हैं इस तरीके से, वाई इज इक्वल्स टू लॉग अंदर लॉग बेस साइन एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 23 ओके माइनस 3 लॉग बेस साइन एक्स की होल पावर 2। अब बच्चों, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है 1 बाई लॉग ए बाई बी इज इक्वल्स टू लॉग बी बाई ए, मतलब लॉग पलट जाता है। तो इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम यूज़ आगे करेंगे, बट फिलहाल देखिए हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये जो सामने आपके है लॉग ऑफ लॉग बेस साइन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 23 माइनस 3 लॉग था, 3 को हम ऊपर भेज देंगे तो ये बन जाएगा लॉग 2 टू द पावर 3 ओके। तो लॉग 2 टू द पावर 3 लॉग ऑफ बेस पे चला गया साइन एक्स। अच्छा, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने चेंज किया है पहली लाइन में, थोड़ा सा मैं भूल गया था बताना। यहाँ पे देखिए, ये जो था बेस पे लॉग बेस 2 था ओके, स्टार्ट में यहाँ पे बेस 2 था, देन इसके बाद मैंने एक का एक क्या कर दिया है, साइन एक्स कर दिया है। तो क्या मैंने एक्चुअली यहाँ पे किया क्या है, आप ये समझो। देखो, जब भी ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वन अपॉन, ये देखो ये वन अपॉन में है, तो अगर कोई चीज़ वन अपॉन में है, जैसे इसको आप लिख सकते हो सिंपली वन अपॉन लॉग ऑफ बेस 2 साइन एक्स ओके, ये आप इसको लिख सकते हैं, लॉग बॉन्ड है ये ओके। तो इसको यदि पलट के ये लॉग का पूरा टर्म यदि ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा इसका इंडेक्स, तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस में आ जाएगा साइन एक्स और ऊपर आ जाएगा कितना 2 ओके। तो ये हुआ है हमारा, फिर से एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, तो 3 लॉग बेस हो गया साइन एक्स और 2 आ गया ऊपर ओके गाइस ओके फाइन। तो देखिए बच्चों, ऐसे सॉल्व करना है इसको, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो वाई इज इक्वल्स टू लॉग बेस साइन एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स में प्लस 23 माइनस लॉग साइन एक्स बेस बन गया एंड 2 टू द पावर 3 ये जो है अपना ये चला गया 3 ऊपर चला गया तो 8 बन जाएगा 8। नो अप्लाई द फॉर्मूला लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए बाई बी, तो लॉग ऑफ बेस पे साइन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 23 बाई 8 ओके, प्रॉपर्टी लग गई है। चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं इसके आगे, अभी बहुत सारी चीज़ें मैं सॉल्व करनी है, हम यहाँ तक आ गए थे राइट ओके। अब देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन कहाँ तक आ चुका था, हमारे पास क्वेश्चन ये आ चुका था, देखिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग बेस साइन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 23 बाई 8। हम यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, एक तरीके से आप ये समझ लो, इस स्टेप पे आके बैठे हुए हैं। अब आप चाहते हो कि अगर वाई की वैल्यू डिफाइन मिले तो शर्त क्या है, शर्त ये है कि इस लॉग के अंदर की वैल्यू जो होनी चाहिए हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। आपको पता है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 मतलब, और तो ये जो लॉग है अंदर का ये पॉजिटिव होना चाहिए, पूरा अंदर का जो लॉग है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ओके। एंड अब वो तो पॉजिटिव होगा, बट एक बात और है, देखो अब इन दो टर्म को आप देखो, इन दो टर्म को आप देखो, किसको, एक इसको और एक इसको, यस ये दो टर्म आपके सामने जो है ये रखे हुए, इन दोनों को अच्छे से देखो क्योंकि इनमें बहुत कुछ इस क्वेश्चन का होने वाला है, आगे देखते हैं इसको। तो देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए थे, अब कुल मिला के कहानी कहाँ पे आके अटकी है, कहानी अटकी यहाँ पे है कि ये जो अंदर की क्वांटिटी थी ये पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब लॉग ऑफ बेस साइन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 23 अपॉन 8 शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखिए जरा, पहले बेस देखा करो, बेस क्या है जी, साइन एक्स है, तो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू बनती है 0, सॉरी मॉड साइन एक्स है बच्चों, गलती हो गई, मॉड साइन एक्स का जो मिनिमम वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा ओके। एंड और उसके बाद जो अपना मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी इसकी, यार 1 बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 बनेगी, बिल्कुल सही है ओके। तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई होती है, बट आपको पता होगा कि दो चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट की ये वैल्यू 0 नहीं लेते हैं, मतलब साइन एक्स की वैल्यू आप 0 इग्नोर करनी पड़ेगी और आपको 1 इग्नोर करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉग के केस में बेस पे 0 या 1 नहीं चलता है ओके, कुछ और चलेगा। मतलब आप यहाँ पे क्या मान के चल सकते हो, आप यहाँ पे ये मान के चल सकते हो कि बट वी कैन नॉट टेक साइन एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब एक वैल्यू तो हम साइन एक्स को 0 नहीं ले सकते। एंड दूसरी बात क्या है,
वी कैन ऑल्सो नॉट टेक साइन एक्स इक्वल्स टू वन. तो मतलब उन केसेस को हमको बिल्कुल निकाल देना है जिसमें साइन एक्स जो है जीरो या वन के इक्वल है. मतलब जो साइन एक्स रहेगा वो हमको क्या लेना है, साइन एक्स हमको अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे लेना है साइन एक्स इज बिटवीन जीरो टू वन, मतलब जीरो से लेके वन के बीच में ओपन इंटरवल में साइन एक्स लेके चलना है. ओके, ये तो हो गई बेस की बात. ओके, अब जिस समय बेस आपका जीरो से वन के बीच में लाई करता है तो पॉजिटिव आंसर के लिए आपके ये जो न्यूमरेटर है ये क्या होता है, पॉजिटिव आंसर के लिए दैट टाइम, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो आ रहा ना, बहुत सारी बातें बच्चों. तो अगर आप चाहते हैं पॉजिटिव आंसर, क्यों, क्योंकि साइन एक्स कहाँ से कहाँ क्या आ गया, साइन एक्स आ गया जीरो से लेके वन के बीच में. ओके, साइन एक्स आपका आ चुका है जीरो से लेके वन के बीच में. अगर आप चाहते हैं कि अब आपको लॉग का आंसर पॉजिटिव मिले तो ये जो वैल्यू है इट शुड बी लेस देन वन. अगर ये वन से लेस होगी तभी आपको आंसर मिलेगा. यस, तो देखिए, तो हम लिखेंगे सो दिस वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 23 अपॉन 8 इज लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो. ये जीरो से वन के बीच में होनी चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. सो यू कैन राइट इट एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 23 इज लेस देन 8, जीरो से बड़ा 23 प्लस लेस देन 8. ओके, अब इसमें देखो यार टू पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में. इसमें जो आपके पास है यहाँ पे दो पार्ट आपको दिख रहे हैं. एक देखिए क्या है, एक ये जीरो से बड़ा और दूसरा आठ से छोटा. तो वन बाई वन आप लेके सॉल्व करेंगे इसको. एक पहला ले जीरो से बड़ा. सो व्हेन आई टेकिंग दिस वन इज ग्रेटर देन जीरो, जब इसको हम जीरो से बड़ा लेते हैं तो देखो डी इज लेस देन जीरो. इसके लिए जीरो से बड़ा कह रहे हैं कि जीरो से बड़ा कहाँ पे होगा, तो इट इज लेस देन जीरो, ठीक है ना, किसका, डी. और डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब एक कैसी सिचुएशन बनेगी, ऐसी बनेगी सिचुएशन, पैराबोला की सिचुएशन बनेगी. इसका ए ग्रेटर देन जीरो मतलब इसकी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. जो कह रहा था कि इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो तो कोई चिंता की बात नहीं है, मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा. ओके, सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं डायरेक्टली. सेकेंड पार्ट एंड, सेकेंड पार्ट देखिए एंड लगाने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 23 शुड बी लेस देन 8 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 23 माइनस 8 लेस देन 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 15 इज लेस देन 0. ओके, लेस देन 0. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक पार्ट में और सॉल्व हो जाएगा ये, देखते आगे. ओके, नाउ आपने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज लेस देन 0. ऑन सॉल्विंग ये मेथड जो होती है सॉल्व कर दीजिए इसे x माइनस 5x माइनस 3, तो बीच वाला जो इंटरवल आएगा 3 टू 5. सो द करेक्ट आंसर फॉर x इज इक्वल्स टू 3 टू 5. अभी पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, अभी बहुत कुछ करना है, ये 3 टू 5 आ चुका है. ओके, अब देखिए बच्चों आगे ये क्या करना है हमको. ओके, अब हम जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू 0 और 1 के इक्वल नहीं है. साइन एक्स की वैल्यू 0 और 1 के इक्वल नहीं है. ओके, तो साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, 0 पे होती है, पाई पे होती है. तो हमारे पास जो इंटरवल आया है वो x का कितना आया, 3 टू 5. तो इसके बीच में हमें साइन की वो वैल्यूज़ निकालनी है, बाहर करनी है, जिसपे आपको साइन की वैल्यू 0 या 1 मिले. तो वो वैल्यू क्या मिलेंगी आपको, एक तो मिलेगी x इक्वल्स टू पाई, इसको रिमूव आउट करो. एंड देन साइन x इक्वल्स टू 1 कहाँ पे मिलेगा, 3 पाई बाई 2 पे, इसको भी रिमूव आउट करो. सो द फाइनली हमारे पास जो डोमेन आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है x बिलोंग्स टू 3 टू 5 ओपन इंटरवल एंड माइनस पाई कॉमा 3 पाई बाई 2. मतलब दो एंट्रीज आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसका नाम है पाई एंड 3 पाई बाई 2. सो स्टूडेंट दिस वाज द वन ऑफ द गुड क्वेश्चन फ्रॉम डोमेन एंड रेंज. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये थोड़ा इजी है पिछले वाले की तुलना में. एंड हियर एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एंड 1 बाई अंडर रूट लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13. चलिए क्वेश्चन को उठाते हैं. तो क्वेश्चन उठेगा कहाँ से यार, देखो सबसे पहली बात है कि ये अंदर वाली चीज जो है, नीचे वाला पूरा पार्ट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यार, इसकी. तो ये लॉग कब प्रोड्यूस, ये टर्म रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर की चांसेस क्या होती है कि दिस शुड दिस कंप्लीट शुड बी, एक बार फिर से मैं इसको बैक करता हूँ तो आपको सर, दिस कंप्लीट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. इक्वल टू जीरो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है. ओके, तो क्या होना चाहिए, ये जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए अंदर का टर्म. ओके, ये अंदर का टर्म जीरो से बड़ा होना चाहिए. चलिए देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि लॉग वन बाई टू, ओके, वन बाई टू होल टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13 शुड बी ग्रेटर देन जीरो. अब देखो यार बेस के दर्शन करो, बेस क्या है, वन बाई टू है, बेस वन बाई टू है यहाँ पे. अब बेस का आंसर पॉजिटिव, मतलब बेस जो है वो कहाँ से, जीरो से लेके वन के बीच में है.
बेस जीरो से लेकर वन के बीच में हो और आंसर कह रहा कि ग्रेटर देन जीरो, ये देखो ये ग्रेटर देन जीरो बोला आंसर, कि हमको आंसर ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर आपका बेस वन जीरो वन से छोटा है, जीरो और वन के बीच में है और आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू होगी ये भी वन से लेस होगी। कौन सी वैल्यू, ये वाली। तो क्या कंडीशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स सॉरी माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टीन शुड बी लेस देन जीरो। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, चलिए ये देखिए। तो इसको आगे दिखा रहा हूँ मैं, देखिए आपको ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। सो वी हैव हेयर फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ए बेस एक्स, ए इज लेस देन वन, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, वन बाई टू ए का काम कर रहा है। तो ये वन बाई टू जो है, ये जो वन बाई टू आपको दिख रहा है, ओके सॉरी, ये वन बाई टू जो आपको दिख रहा है ये क्या, वन से कम है, वन से ये कम है। ओके, तो वन से कम है और इसका जो रिजल्ट मिल रहा है आपको कैसा दे रहा है, वो ग्रेटर देन जीरो। यस, दिस कंप्लीट का जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन जीरो। इसलिए ये जो होगा इसका जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स शुड बी लेस देन वन। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टीन लेस देन वन, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टीन माइनस वन इज लेस देन जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व लेस देन जीरो। ओके, सो यहाँ मैंने लिखा है, सिंस हेयर फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ए बेस एक्स वेयर ए इज लेस देन वन, द फंक्शन इज इन्फाइनाइटली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसलिए ऊपर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन वन होगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आ गया x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल्स लेस देन जीरो, देन वो जो मैंने मेथड आपको बता रखी है पिछले वीडियोस में उससे सॉल्व करते हैं इसको, तो आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, नाउ सॉल्व दिस लाइक दिस। ओके, तो क्या चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए था, तो आंसर आएगा हमारा ओपन इंटरवल थ्री टू फोर, क्योंकि लेस था इक्वल नहीं लगा था, सो आंसर आएगा ओपन इंटरवल थ्री टू फोर। ओके गाइज, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन मॉड एक्स, साइन इनवर्स टेन एक्स एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कैसे करना पड़ेगा इसको, कि आपको इसमें एक्स इज द वैल्यू। ओके ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमको कैसे करना पड़ेगा, इसमें आपको तीन फंक्शन आपको दिए गए हैं और ऐसा कभी भी क्वेश्चन प्लस वाला आता है तो आपको ओवरलैपिंग डोमेन यानी कि कॉमन डोमेन निकालनी पड़ती है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। सो हियर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन मॉड एक्स, सेकेंड पार्ट साइन इनवर्स टेन एक्स एंड थर्ड पार्ट साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है, डोमेन वन निकालेंगे, फर्स्ट का डोमेन साइन ऑफ मॉड एक्स, ये मॉड एक्स है, यहाँ पे हम क्या देखो मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स में एक्स क्या हो सकता है यार, साइन एक्स में एक्स बिलोंग्स टू आर होता है। अब आर में आप चाहे पॉजिटिव दे दो चाहे नेगेटिव दे दो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो फर्स्ट में क्या आएगा इसका डोमेन आएगा आर, मतलब ऑल रियल नंबर। सेकेंड है साइन ऑफ टेन एक्स, सो सिंपल, साइन इनवर्स के अंदर है, तो इनवर्स में जो वैल्यू लेता है, इनवर्स में वैल्यू क्या होती है, टेन एक्स इज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। ओके, टेन एक्स इज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, क्योंकि इनवर्स की डोमेन होती है माइनस वन टू प्लस वन। नाउ माइनस वन किस में देगा, माइनस पाई बाई फोर में, प्लस वन किस में देगा, प्लस पाई बाई फोर में, मतलब ये माइनस वन माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर वैल्यू एज एन इनपुट ले सकता है, कौन, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो ये तो हो गया डी टू सेकेंड डोमेन। देन थर्ड पार्टी, तो डायरेक्टली बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही हो गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है, बट वेयर एक्स क्या होता है, माइनस वन टू प्लस वन, यानी कि प्रिंसिपल डोमेन में एक्स की वैल्यू लाई किया करती है, उस समय पे ये टूटता है, एक्स इज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। तो तीन डोमेन आ गई अपने पास, तो अपन को तीनों का इंटरवल निकालना है, माइनस तो डी वन इंटरसेक्शन डी टू इंटरसेक्शन डी थ्री। सो व्हाट, सबसे पहले आप रियल नंबर प्लॉट कर लो, ये हो गया रियल नंबर, आपने पूरा लिया नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आपने प्लॉट कर लिया, क्योंकि ये फर्स्ट डोमेन था। सेकेंड डोमेन क्या आया, सेकेंड डोमेन आपके पास आया क्या, बड़ा वाला डोमेन जो है इसको सेकेंड मान लो, वैसे तो थर्ड पे निकाला बट सेकेंड मान लो, माइनस वन टू प्लस वन ही आया है, तो ये है माइनस वन और ये है आपका प्लस वन। एंड थर्ड जो डोमेन आया आपके पास फाइनली वो क्या आया है, माइनस पाई बाई फोर टू प्लस पाई बाई फोर। ये देखिए, जो आप देखिए जो थर्ड डोमेन आपका आया है वो सबसे कॉमन है, माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर टू प्लस पाई बाई फोर, सो दैट विल बी द आंसर गाइज। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, माइनस पाई बाई फोर से लिखे प्लस पाई बाई फोर। ओके, तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।